नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बिहार में दिव्य दरबार लगाकर बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के हनुमंत कथा को समाप्त कर वापस मध्य प्रदेश स्थित अपने बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में विवाद उनका पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। बाबा बागेश्वर ने पटना के नौबतपुर में जब दरबार लगाया तो कई लोगों की पर्चियां निकाली, लेकिन अब पटना पुलिस ने ही बाबा की पर्ची काट दी है। जी हाँ, दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का पटना की ट्रैफिक पुलिस से 1,000 रुपए का चालान काटा है। 3 मई को एयरपोर्ट से पनाश होटल जाने के दौरान सांसद मनोज तिवारी और धीरेन्द्र ने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसके चलते ट्रैफिक एसपी ने 1,000 रुपए का चालान काटा। आपको बता दें, गाड़ी मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। पटना पुलिस का कहना है कि अगर चालान नहीं भरा गया तो गाड़ी के मालिक को समन भी भेजा जाएगा।